श्रद्धेय मंच और परम श्रद्धेय सदन, आज अपेक्षा अशी होती की मी मराठीत बोलावं, पण मी जन्मापासून उज्जैनला आहे आणि हिंदीत माझं शिक्षण झाल्यामुळे मराठीत बोलायची मला तितकी सवय नाही. चर्चा करू शकतो पण बौद्धिक देणं, एकतर्फा बोलणं कठीण माझ्यासाठी, म्हणून मी हिंदीत बोलीन, मध्ये मध्ये काही मराठीसुद्धा येईल. म्हणून मला ते एक सुविधा झाली की आता मराठी आणि हिंदी हे दोन्ही मला बोलू शकतो. शिवाजी के 350वें राज्याभिषेक उसका वर्ष ये चल रहा है और ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को वो 350 वर्ष पूरे हो जाएंगे. प्रश्न उठता है कि शिवाजी ही क्यों? हमारे देश में राजाओं की कमी है क्या? तो असंख्य मालिका है राजाओं की, एक दो नहीं सैकड़ों मिल जाएंगे. उसमें शिवाजी की ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण हम सभी राजा और जितने महापुरुष थे ये सब महापुरुष हैं, महापुरुषों की तुलना कभी भी नहीं हो सकती. इसलिए मैं शिवाजी की तुलना राणा प्रताप से कर रहा हूँ या गुरु गोविंद सिंह से कर रहा हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है. सभी श्रेष्ठ थे, इसमें कोई दो मत नहीं. लेकिन शिवाजी एक ऐसे राजा थे जिन्होंने कभी अपने राज्याभिषेक के लिए या अपना राज्य स्थापित करने के लिए प्रयास नहीं किया. वो तो कहते थे हित श्रींची इच्छा है. यानी स्वयं गागा भट्ट जब उनका राज्याभिषेक होने के लिए जब करने के लिए वहां पर आए तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं तो राजा बनने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, मैंने ये जो कुछ किया वो राजा बनने के लिए नहीं किया है, ये तो प्रजा का राज्य है. उसमें गागा भट्ट कहते हैं कि तुम्हारी बात सही है लेकिन तुम्हारे इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए यहां वाल्मीकि की आवश्यकता है, लेकिन जब तक तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं होगा तब तक हम तुमको केवल प्रशासक के रूप में स्वीकार करेंगे और राजा के रूप में पूजा करते रहेंगे उस बादशाह की, इसलिए तुम्हारा राज्याभिषेक होना ही चाहिए. फिर मां जीजा ने भी कहा जब सबने आग्रह किया तो शिवाजी राज्याभिषेक के लिए तैयार हुए. और शिवाजी एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की. उनके विजन में, दृष्टि में संपूर्ण राष्ट्र था, केवल महाराष्ट्र नहीं, तो उनके दृष्टि में संपूर्ण राष्ट्र था, कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र था. इसलिए शिवाजी के बारे में भाग्य से 19 फरवरी तारीख के हिसाब से देखेंगे तो 19 फरवरी 1630 को शिवाजी का जन्म हुआ कली, और उनका 350वां वर्ष जन्म दिवस का वो मनाने के लिए रायगढ़ पर उस समय की तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी गई थी. और इंदिरा गांधी ने उस समय ये भाषण में कहा था कि डोंट रिड्यूस हिम एज ए लोकल लीडर, ही वॉज द ग्लोबल लीडर. शिवाजी को छोटा मत बनाइए, शिवाजी एक पूरे विश्व का एक नेता थे. यदुनाथ सरकार शिवाजी के बारे में कहते हैं कि ही वॉज नॉट ओनली द क्रिएटर ऑफ मराठा नेशन बट ही वॉज द कंस्ट्रक्टिव जीनियस ऑफ मिडवेल इंडिया. ये कंस्ट्रक्टिव जीनियस का है, ये जीनियस ऑल टाइम रिक्वायरमेंट होती है. ऐसा नहीं कि एक बार जीनियस हो गया तो काम हो गया, हर समय हर काल में जीनियस हमको चाहिए. आज भी जीनियस है हमारे पास में, हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो बैठा हुआ है. शिवाजी थे कंस्ट्रक्टिव जीनियस. और सुरेंद्रनाथ एक लेखक थे इतिहासकार, वो कहते हैं कि एक बार शिवाजी के युद्ध कौशल के ऊपर उंगली उठाई जा सकती है लेकिन इनके प्रशासनिक कौशल पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती. क्योंकि स्वराज्य प्राप्त करना यह एक बात है लेकिन स्वराज्य को टिकाए रखना, स्वराज्य को सुराज्य के अंदर परिवर्तित करना, उसके लिए एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए. और शिवाजी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे एज वेल एज अच्छे मैनेजर भी थे. यह शिवाजी की विशेषता है. यानी पाकिस्तान का जो सेनापति था अय्यूब खान, ये अय्यूब खान जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया था,
65 में, वही अय्यूब खान यदि कहीं शिवाजी का चित्र या पुतला दिखता है, मूर्ति दिखती है, तो पहले उसको सैल्यूट करता था, फिर आगे जाता था। क्यों? क्योंकि अय्यूब खान जब लंदन के मिलिट्री स्कूल के अंदर पढ़ता था तो वहां पर विश्व की 7 लड़ाइयों का वर्णन किया जाता था जो सर्वश्रेष्ठ लड़ाइयां थी, और उसमें एक लड़ाई थी शिवाजी और अफजल खान का युद्ध। इसलिए अय्यूब खान कहता था कि यदि सेना का सेनापति होना चाहिए तो शिवाजी जैसा चाहिए। इसलिए अय्यूब खान भी पहले सैल्यूट करता था। कैसा था वो युद्ध? मैं कविता के माध्यम से आपको युद्ध का वर्णन करता हूं। युद्ध कविता मराठी में है, हिंदी में है, कि शिवाजी के समय कैसी स्थिति थी और शिवाजी ने कैसे लड़ाई लड़ी और अफजल खान के साथ में। सन 1600 भारतवर्ष में चारों ओर अंधियारा था। सन 1600 भारतवर्ष में चारों ओर अंधियारा था, कहीं मुगलों ने कहीं विदेशियों ने स्वतंत्रता को घेरा था। सपनों में नहीं सोचा हमने पारतंत्र कभी टूटेगा, सपनों में नहीं सोचा हमने पारतंत्र कभी टूटेगा और स्वराज्य स्थापित फिर से होगा, ध्वज भगवा लहराएगा। दिल्ली तख्त से शहंशाह ने उत्तर को काबिज किया, दिल्ली तख्त से शहंशाह ने उत्तर को काबिज किया और दक्षिण में गोवलकुंडा मुगलों ने ही राज किया। निजाम शाही ने महाराष्ट्र के मुल्कों को बर्बाद किया और बीजापुर के आदिल शाह ने सारा दक्खन जीत लिया। यही दृश्य था भरत वंश का, यही दृश्य था भरत वंश का, कोई न त्राता हिंदू धर्म का, अबलाओं की इज्जत लुटती और रस्ते में गौ माता कटती। महापराक्रमी हिंदू राजे यवनों की दरबार में शोभे, लेकिन जब जब धर्म की हानि होती ईश्वर शक्ति तभी प्रकटती। शंकर ने त्रिनेत्र खोलकर प्रकट हुए गढ़ शिवनेरी पर। शके 1551 में वद्य फाल्गुन तृतीया में जन्म दिया जीजा माता ने, नाम शिवाजी त्रिलोक जाने। नंदलाल के आ जाने से कंस मामा घबराए, नंदलाल के आ जाने से कंस मामा घबराए, प्रभु रामचंद्र के आ जाने पर लंकेश्वर भी थर्राए और प्रभु शिवा के आ जाने पर रिपुदल सुदबुद खोए बैठे और अपनी मौत चली आई है सब कुछ पहचाने बैठे। जय स्वधर्म का नाश अधर्म का यही यहां की रीति है, जय स्वधर्म का नाश अधर्म का यही यहां की रीति है और दानवता पर मानवता की विजय सदा ही होती है। मां जीजा ने भारत मां के दुखों को पहचान लिया। प्रत्येक महापुरुष को तैयार करने में कोई ना कोई स्त्री शक्ति का हाथ होता है। शिवाजी को तैयार करने के लिए उनकी माता जी थी। कितना धैर्य रखा, यानी सब कुछ देखने के बाद उन्होंने प्रण किया कि मैं ऐसे पुत्र को जन्म दूंगी जो इन सारे रावणों के सिर काटकर मां दुर्गा की ओटी भरेलती। तो मां जीजा ने भारत मां के दुखों को पहचान लिया और इसको परिवर्तित करने का मन में दृढ़ संकल्प किया। बचपन से ही बाल शिवा का अध्ययन प्रारंभ किया और गीता रामायण महाभारत का पाठ उसे समझा दिया। शस्त्र शास्त्र के महाधुरंधर दादोजी कोंडदेव ने सकल कला में शिवराया को रण धुरंधर बना दिया। सुनो कहानी बाल शिवा की। बाल उम्र थी 12 साल की, जान बचाने गौ ब्राह्मण की, करली प्रतिज्ञा स्वतंत्रता की। रोहिड़ेश्वर के मंदिर जाकर ईश्वर का अभिषेक किया, रोहिड़ेश्वर के मंदिर जाकर ईश्वर का अभिषेक किया और उंगली काटकर रक्त से शंकर का अभिषेक किया। स्वतंत्रता का पहला तोरणा दुर्ग तोरणा फतेह किया और राष्ट्र हिंदवी ध्वज के शरिया अपने हाथों लगा दिया। फिर कोंडाणा सुभान मंगल पुरंदर को जीत लिया और अपने वतन में अपना शासन दुशासन को हटा दिया। तो बादशाह को खबर लगी, बादशाह को खबर लगी तो सुनते ही हैरान हुआ, बादशाह को खबर लगी तो सुनते ही हैरान हुआ और कहां है अपना बेटा। शाहजी को फरमान किया। ये शाहजी बादशाह के यहां नौकरी करते थे। तो बादशाह को खबर लगी तो सुनते ही हैरान हुआ और कहां है अपना बेटा। शाहजी को फरमान किया। माताजी को लेकर शिवबा बीजापुर को चला गया और चरण पिता के छूकर कारण बुलवाने का समझ लिया।
एक दिन दोनों पुत्र पिताजी दरबार में थे हुए खड़े, एक दिन दोनों पुत्र पिताजी दरबार में थे हुए खड़े और बादशाह को सलाम सबका, शिवबा थे खामोश खड़े। एक दिन दोनों पुत्र पिताजी दरबार में थे हुए खड़े और बादशाह को सलाम सबका, शिवबा थे खामोश खड़े। शाहजी राजे अपने बेटे को यहां की रीति समझा दे और कह दे इससे कि अपना मस्तक मेरे सामने झुका दे। जो ही शब्द सुने शिवबा ने, आंखों से अंगारे निकली। कौन बादशाह, कहां से आया, भाग यहां से भ्रष्ट रहरी। ये तो मस्तक वहीं झुकता है, गुरु गो ब्राह्मण है, जहां माता पिता के चरण है, जहां माँ भवानी है। जहां माता जी को लेकर शिवबा फिर पुना को चला गया और मान लिया दरबार ने उस दिन कि शेर को सवा शेर मिला। फिर शिवाजी को पकड़ने के लिए अफजल खान को भेजते। अफजल खान कहता है, शिवाजी शिवाजी तो पहाड़ का चूहा है, खान ने खुले आम कहा और जिंदा या मुर्दा लाऊंगा। सारा दरबार देख रहा, क्योंकि जिसने भी आज तक शिवाजी को ललकारा वो अल्लाह को हो गया प्यारा। हिंदुओं की कीर्ति सुनकर, मराठों की कीर्ति सुनकर खान मन में घबराया और 20,000 पठानी सेना साथ लिया। तुलजापुर की भवानी माँ का मंदिर तोड़ा पंढरपुर का और कत्ले आम चली हिंदू की, नंगा नाच इन शैतानों का। ऐसे समय में प्रतापगढ़ पर प्रतीक्षा किए शिवाजी राजे बैठे थे। प्रतापगढ़ पर प्रतीक्षा किए शिवाजी राजे बैठे थे और राजनीति के महाधुरंधर खान को याद करते थे। सीधी लड़ाई संभव नहीं थी, फिर वकील भेजकर गोपीनाथ को एक अनोखी चाल चली। वकील भेजकर गोपीनाथ को एक अनोखी चाल चली, फिर दोनों की आपस में समझौते की कुछ बात चली। खान ने सोचा छोटा बच्चा ताकत देख के घबराया, खान ने सोचा छोटा बच्चा ताकत देख के घबराया और गर्व में आकर शिवाजी की सब शर्त को उसने मान लिया। बड़ा ही सुंदर शामियाना स्वागत को तैयार किया, बड़ा ही सुंदर शामियाना स्वागत को तैयार किया और पठान सारे सोचते रह गए, शिवाजी आखिर डर गया। मिलने का दिन आता है, शिवाजी तैयार होते हैं। चिलखत कसकर बांधा पहले, ऊपर से पहरान किया, सिर पे जेरे टोप लगाया, शेरे नाखून हाथ लिया। माँ भवानी की पहले पूजा, माँ साहब के चरण छुए और निकल पड़ा फिर खान से मिलने, शमशेर भवानी साथ लिए। दोनों आमने सामने आ जाते हैं, आंखों से आंखें टकराई, नजरों में कुछ बात हुई। आंखों से आंखें टकराई, नजरों में कुछ बात हुई और गले लगाया शिवबाजी को, बस अंधियारी रात हुई। आंखों से आंखें टकराई, नजरों में कुछ बात हुई, गले लगाया शिवबाजी को, बस अंधियारी रात हुई। बाहों में गर्दन दबा करके खान ने पीठ पे खंजर मार दिया, लेकिन फौलादी बख्तर ने खान का वार बेकार किया। शुभ शकुन तो तभी हो गया, मां भवानी का स्मरण किया और फाड़ के रखा पेट खान का, शेर नखुन से बाहर किया। अल्लाह अल्लाह, दगा दगा, बचाओ बचाओ, खान बहुत चिल्लाया। सैयद बंडा दौड़ के आया, उसने शिवा पे वार चलाया। जो ही उसने वार चलाया, जीवा महला पहुंच गया और काट के रखा हाथ सैयद का, राजा अपना बचा लिया। विजय नगाड़े बजे दुर्ग पर, भारत मां संतुष्ट हुई और सदियों से प्यासी बैठी थी, जो अरी रक्त से तुष्ट हुई, जो अरी रक्त से तुष्ट हुई। यह है शिवाजी और अफजल खान के युद्ध का वर्णन। कितना भयंकर युद्ध होगा वो, जिसका गीतों के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से वर्णन नहीं किया जा सकता। शिवाजी एक एक घटना की, शिवाजी की हम देखेंगे तो मां जीजा माता का जैसे शिवाजी का पुनर्जन्म होता था और उस मां जीजा को बिना कराहे बिना तड़पे उस प्रसूति की वेदना को सहन करना पड़ता था। कल्पना कीजिए, किसी का पुत्र हर समय इस प्रकार से जाता है, लेकिन मां जीजा थी। यह शिवाजी की विशेषता है। शिवाजी के बारे में हम जब सुनते हैं तो साधारणतः शिवाजी के बारे में उसका युद्ध कौशल्य, उसका संग्राम, घोड़े, संघर्ष और शाइस्ता खान की उंगली तोड़ी, औरंगजेब का पेट फाड़ा, एडमिनिस्ट्रेटर कैसे थे शिवाजी। एडमिनिस्ट्रेशन यदि अच्छा नहीं हो तो उसका परिणाम क्या होता है, हमने 1757 की प्लासी की लड़ाई का याद कीजिए। वो प्लासी की लड़ाई, एक तरफ सिराजुद्दौला है
और अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव को भेजा जाता है लड़ाई लड़ने के लिए। सिराजुद्दौला के पास में 1,00,000 की सेना है और क्लाइव के पास मुश्किल से 5,000 की सेना है, और युद्ध होता है और कुछ ही देर में सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है और क्लाइव विजयी हो जाता है। और बाद में अपना विजय जुलूस जब क्लाइव निकाल रहे थे उस प्लासी शहर से, तो दोनों तरफ असंख्य नर नारियां इकट्ठी खड़े हैं, इनका विजय जुलूस ढोल नगाड़ों के साथ निकल रहा है। क्लाइव मनी मन घबरा रहा था कि इन सब ने या सर्वानी जर एक एक दगड़ उचलला आणि आमच्यावर फेकला था आमची सेना कुठे दिसणार नाही। पण आश्चर्य की बात, मारणं तर दूर, पर्यायानी कोणी दगड उचलला सुद्धा नाही आणि त्या क्लाइवर मारला नाही। तो क्लाइव विचार करने लगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है, मैंने इनके राजा को परास्त किया है, मैं विदेशी आदमी हूं, मैं इनकी भाषा नहीं जानता। तो क्लाइव इसके अंदर इतिहास में गए, अध्ययन किया उसने, तो उसको ध्यान में आया कि सिराजुद्दौला का एडमिनिस्ट्रेशन इतना गंदा था और खराब था कि पब्लिक प्रजा त्रस्त हो गई थी उससे। हमें सिराज नहीं चाहिए, हमें कोई भी सफेद पैर वाला या लाल मुंह वाला कोई भी चलेगा, लेकिन हमें सिराज नहीं चाहिए। यदि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं हो तो यह स्थिति आती है। और इसलिए शिवाजी ने स्वराज्य तो प्राप्त किया, लेकिन स्वराज्य के साथ में उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इसको हमको समझना पड़ेगा। मोटिवेशन जो होता है, जो नेतृत्व करने वाला होता है, उसका मोटिवेशन कैसा होना चाहिए। हमारे यहां कहते हैं वी आर ऑलवेज मोटिवेटिंग टू समवन और गेटिंग मोटिवेटेड बाय समवन, ये होता है। हम हर समय किसी को यदि प्रेरणा हम देते रहते हैं या किसी से प्रेरित होते रहते हैं। शिवाजी का मोटिवेशन, और मोटिवेशन है पॉजिटिव मोटिवेशन भी होता है, निगेटिव मोटिवेशन भी होता है। पॉजिटिव मोटिवेशन मतलब क्या है, किसी को पुरस्कृत करना है, किसी की प्रशंसा करना है। निगेटिव मोटिवेशन, किसी को दंडित करना है। तो शिवाजी का पॉजिटिव, निगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी कैसे देखना। एक घटना आप में से शायद किसी ने सुनी होगी, मुझे नहीं मालूम, कि लाईजी कोळी पाटील नाम का, शिवाजी के यहाँ उस समय जंजीरा नाम का एक किला था। इस किले के ऊपर शिवाजी ने कई बार अपनी मुहिम चलाई, पर वो कभी भी सफल नहीं हुआ। तो ऐसे ही एक मुहिम शिवाजी ने की थी, वो जंजीरा किला आपने से तो देखा होगा सबने, वो समुद्र के बीच में था, वो चारों तरफ से उसके समुद्र है, एक रास्ता है केवल, और दोनों चारों तरफ दीवार है बड़ी बड़ी। उसके कारण कोई आक्रमण उस समुद्र की तरफ से कर ही नहीं सकता। तो शिवाजी ने विचार, और वहां का जो राजा था, वहां का जो सेनापति था, वो सिद्धि था। ये सिद्धि ये जाति है, और इनकी विशेषताएं अत्यंत क्रूर रहा करते थे, कि इनको यदि मन में शंका भी आ गई कि कोई व्यक्ति देश के विरुद्ध या राष्ट्र के विरुद्ध सोच रहा है, उसकी एक ही सजा रहती थी, उसके हाथ पैर बांध के, बोरे में बांध के उसको समुद्र में फेंक देते थे, और कोई सुनवाई नहीं होती थी उसकी। उस कारण कोई उसके विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं करता था। शिवाजी ने सोचा कि हम पीछे से आक्रमण करेंगे, और सिद्धि जानता था पीछे से आक्रमण कोई कर नहीं सकता, उस कारण उसकी सुरक्षा पंक्ति वहां थोड़ी सी ढीली भी थी। तो शिवाजी ने सोचा कि हम पीछे से आक्रमण करेंगे, और इस आक्रमण में वहां सीढ़ियां लगाई जाएगी, और सीढ़ियों से हमारे सैनिक ऊपर जाएंगे। अब यह सीढ़ियां लगाने का काम कौन करेगा, तो एक लाईजी कोळी पाटील या नावाचा एक व्यक्ति होता। लायजी त्याचं नाव होतं, कोळी जाती होती, आणि पाटील त्याला एक पदवी दिली होती कोणीतरी। त्या लायजी कोळी पाटीलला शिवाजीने सांगितलं की तू असं कर, शिड्या लाव, आणि तो त्याचा जे काही पैसे असे ठरले ते ठरले, आणि त्याच्यानंतर आमचे सैनिक येतील आणि वरती जातील। लायजीने ते सर्व केलं, उसने सीढ़ियां लगाई, और लगाने के बाद वो जा सकता था वहां से, उसका काम हो गया। और ये सब कुछ करना है रात रात में ही, और रात में ही आक्रमण करना है। तो लाईजी कोळी पाटील ने वो सब कुछ किया, और बाद में राह देखता रहा कि अब देखते हैं अपन कैसे सेना आती है और कैसे चढ़ती है। एक घंटा हो गया, दो घंटे हो गए, सेना कुछ आई नहीं। अब सेना क्यों नहीं आई, इसका कारण इतिहास के गर्त में है, लेकिन कुल मिला के सेना वहां नहीं पहुंची। और धीरे धीरे अब दिन आने की स्थिति आ गई, तो लाईजी ने सोचा कि अब क्या करना। तो उसने दुगनी जोखिम लेके त्या सर्व शिड्या ज्या होत्या त्या शिड्या पुन्हा त्यांना काढल्या आणि तो घेऊन गेला आपल्या बरोबर।
आता हे शिवाजीला नंतर कळलं आणि मग शिवाजीचा दरबार लागला तिथे लायजी कोळी पाटीलला बोलावलं. लायजीला वाटलं की आता आपली बिना पाण्याची होणार, कारण ज्या शिड्या होत्या ते मी काढून घेतल्या, वो सीढ़ियाँ जो लगाई थी वो मैंने निकाल ली, अब महाराज मुझे तो दंडित करेंगे. वो बेचारा घबराता घबराता दरबार में हाजिर तो हो गया. और बाद में जैसे परिचय वगैरह सब कुछ हुआ और परिचय होने के बाद में फिर शिवाजी ने तुरंत कहा, पंत या लायजी कोळी पाटीलला भोई सकट पालखीचा मान द्या. लायजी कोळी पाटील भोचक्का रे गया. तो म्हणा, महाराज मोहीम तर फेल झाली, मग हा मान मला कशाला देताय तुम्ही? एक प्रश्न येत हा लायजी का. और दुसरा लायजी बोलले की मी तर समुद्राचा माणूस, या पालखीला घेऊन मी करणार तरी काय? शिवाजी को दोनों प्रश्नों के उत्तर देना थे. तो शिवाजी ने पहले प्रश्न का उत्तर क्या दिया कि मुहिम तो फेल हो गई लेकिन ये पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है? निगेटिविटी में पॉजिटिविटी कैसे देखना? शिवाजी ने कहा कि तुमने सीढ़ियां लगाई, ये तो तुमने सफलतापूर्वक काम किया, और सीढ़ियां निकाल के ले गए वापस, ये और अच्छा काम किया. बोले, उसमें अच्छा काम कौन सा है? दृष्टि कैसी होना चाहिए? शिवाजी कहते हैं लायजी कोळी को कि तुमने हमारे लिए इस मार्ग से फिर से एक आक्रमण करने का मौका सुरक्षित रखा, क्योंकि यदि दिन निकल आता और सीढ़ियां दिख जाती यदि सिद्धि को, तो बाद में वो वहां सुरक्षा पंक्तियां अपनी बढ़ा देता, क्योंकि यहां से भी आक्रमण हो सकता है. तू त्या शिड्या काढल्या म्हणून एकदा पुन्हा त्या बाजूने आक्रमण करायची संधी आमच्यासाठी तू सुरक्षित ठेवली, म्हणून हा सन्मान तुला देतोय. आणि दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर की मी तर समुद्राचा माणूस, मी काय करणार पालखीला घेऊन? तर त्याच्यात शिवाजी म्हणतात लगेच पंतांना की पंत या लायजी कोळी पाटीलला एक गलबत द्या. गलबत आणि जहाज, पाण्याचं जहाज, मला माहिती आहे सर्व शब्द. म्हणजे लायजी कोटी पाटीलला एक गलबत द्या आणि त्याचं नाव पालखी ठेवा. म्हणजे दोन्ही गोष्टी झाल्या, पालखीचा सन्मान सुद्धा. त्यावेळेची पालखी म्हणजे आजचं भारतरत्न आपण म्हणू शकतो की सर्वात मोठा सन्मान आहे. आणि आश्चर्य काय की मोटिवेशन, मोटिवेशन काय असतं ही घटना एका कार्यकर्त्यांनी पुण्याच्या एका कार्यक्रमात सांगितली. आणि त्याच्यानंतर कोल्हापूरच्या जवळ राहणारी एक बाई म्हातारी होती 80-85, ती लगेच त्यांच्याजवळ आली नंतर भाषणानंतर आणि म्हणाले की तुम्ही आज खूप छान प्रसंग सांगितला. म्हणे, मी त्याच लायजी कोळी पाटीलच्या वंशातली मी आहे एक बाई, आणि शिवाजीने 350 वर्षापूर्वी जे मला दिलं होतं आणि त्याचं नाव पालखी ठेवलं होतं, आजही आम्ही आमची जहाजांना पालखीच म्हणून बोलतो. याने मोटिवेशन 350 साल पहले हुआ था, वो आज भी उसको पालकी के नाम से पुकारते हैं. जहाजों की टेक्नोलॉजी बदल गई लेकिन उसको आज भी पालकी कहते हैं वहां पे उनके वंशज. इसको कहते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन. फिर बाद में कहा है कि भाई शिवाजी वॉज ऑलवेज वन ओवर इज ओपोनेंट. यानी पाटिल ला विचार लगे, पाटिल तुझी पाटिल पदवी को दिली? मन बादशाह ने. म्हणे, पंत आजपासून यांना सर पाटिल ची उपाधि दिया. म्हणजे बादशाहने जर पाटील दिलेलं आहे तर शिवाजीने सर पाटील त्यांना केलं आणि त्यानंतर त्याला सर पाटील म्हणायला लागले. ये होता है पॉझिटिव मोटिवेशन. और ऐसा मोटिवेशन होने के कारण संपूर्ण प्रजा शिवाजी के लिए अपने प्राणोत्सर्ग करने के लिए तैयार होती थी. शिवाजी कुछ भी कह देता तो प्रजा तैयार है. यानी मोटिवेशन, मोटिवेशन कितना हो सकता है कि एक व्यक्ति आपके लिए अपने प्राण दे देगा. हम जानते हैं पनालगढ़ पर शिवाजी को घेर रखा था सिद्धि जौहर ने. 40,000 की सेना लेकर सिद्धि जौहर ने पनालगढ़ को घेर रखा था. पंछी पर नहीं मार सकता पनालगढ़ के अंदर, यह स्थिति थी. शिवाजी का एक सिद्धांत रहता था कि कोई भी लड़ाई यदि लड़ना है तो जीतने के लिए लड़ना है. यदि हम नहीं जीत सकते तो वहां से भागने में कोई समस्या नहीं है. राजपूतों का इतिहास और मराठों का इतिहास, इसमें शिवाजी का इतिहास, इसमें अंतर है. शायद राजपूत पराक्रम में मराठों से ज्यादा भी होंगे, 20 होंगे, लेकिन राजपूतों का सिद्धांत यह रहता था कि लड़ाई में लड़ते लड़ते कट के मर जाना यह विजय है,
और लड़ाई से भागना ये पराजय। और शिवाजी का सिद्धांत था कि हमको स्वराज्य की स्थापना यदि करना है तो हमको जीवित रहना आवश्यक है, और यदि जीवित रहना है और हम यहां नहीं लड़ सकते तो हम भागेंगे यहां से। श्री कृष्ण भगवान को भी रणछोड़ दास कहते हैं ना, वो भी रण छोड़ के भागे थे। तो भागने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उद्देश्य क्या था? स्वराज्य की स्थापना। तो शिवाजी ने तय किया कि यहां से भागेंगे, पनालगढ़ से भागेंगे। तो कैसे भागेंगे? चारों तरफ इतना जबरदस्त घेरा है, पंछी पर नहीं मार सकता। तो शिवाजी का एक जासूस था महादेव, ये महादेव एक सूचना लाता है शिवाजी के पास, महाराज चारों तरफ इतना जबरदस्त घेरा है कि आप भाग नहीं सकते, लेकिन एक मार्ग ऐसा है कि जहां से भागा जा सकता है, लेकिन वो मार्ग अत्यंत दुर्गम है, बहुत कठिन है, बड़े बड़े पत्थर, कंकड़, कांटे और बिया, बहुत घना जंगल है, और उसमें वर्षा के दिन थे, जुलाई महीना था, तो वहां से भागना बहुत कठिन है। शिवाजी ने कहा कि यदि कठिन हो या कैसा भी हो, यदि भागना ही है तो हम वहां से भागेंगे, पर भागना है तो फिर स्ट्रेटेजी पूरी बनाना पड़ेगी। यदि दुश्मन ने देख लिया तो फिर योजना बनी, एक नकली शिवाजी बनाया जाए। और ये नकली शिवाजी कौन बनने को तैयार होगा? क्योंकि दुश्मन तो देखेगा, पक्का है, और देखेगा तो इस नकली शिवाजी को दुश्मन की ओर बढ़ा दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। तो नकली शिवाजी कौन बनेगा? शिवाजी तुरंत कहते हैं, ऐसा करा तुम्हें शिवा काशीद ला बोलो नाना माने, ये शिवा काशीद, यानी आज की भाषा में कहते हैं अपन तो ये नाई जाति का था, लेकिन स्वराज्य के लिए प्रत्येक जाति, प्रत्येक व्यक्ति ने, प्रत्येक भाषा के व्यक्ति ने संघर्ष किया है, ये इसको दर्शाता है कि केवल किसी एक जाति के व्यक्ति ने नहीं किया, तो शिवाजी के लिए प्रत्येक जाति का व्यक्ति अपने प्राण देने के लिए तैयार होता था। उस शिवानाई के पास सूचना जाती है कि महाराज ने आपको बुलाया है। शिवानाई सोचता है कि मेरा क्या काम, मेरे से कौन सी गलती हो गई, पर अब बुलाया है, हाजिर हो गए। शिवाजी, शिवा उसका नाम भी शिवा था, वो भी दाढ़ी वाड़ी बढ़ाया हुआ था, थोड़ा शिवाई पर दुबला पतला था। तो शिवाजी कहते हैं कि शिवा तुम जानते हो परिस्थिति कैसी है, और आज आवश्यकता है हमको यहां से भागने की, लेकिन हम भागेंगे तो शत्रु देख सकता है, और शत्रु देखेगा तो क्या करना, इसके लिए हमने योजना बनाई है, एक नकली शिवाजी हमको चाहिए। तुम नकली शिवाजी बनने को तैयार हो? जैसे ही शिवा काशीद सुनता है, 2 फीट उछल पड़ता है, बोला महाराज मैं नकली शिवाजी, नकली क्यों ना हो लेकिन शिवाजी बनूंगा, महाराज बताइए और क्या करना है। बोले जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? बोले महाराज परिणाम की क्या चिंता करना है, वो सिद्धि मेरे को पकड़ लेगा और अपनी तलवार मेरे सीने में भोंक देगा, इतना ही तो होगा ना, लेकिन मरूंगा तो शिवाजी बन के मरूंगा। कोई यदि ऐसे मर गया तो कोई कहेगा एक नाई मर गया, लेकिन मरूंगा तो शिवाजी बन के मरूंगा। महाराज अपने सारे कपड़े उसको पहनाते हैं, अपने गले की कोड़ियों की माला उसके गले में डालते हैं, कानों के कुंडल उसके गले में डालते हैं, अपना साफा उतार कर उसके सिर पे रखते हैं और शिवानाई को गले लगाते हैं, तो महाराज की आंखों से आंसू आने लगते हैं। तुरंत शिवानाई महाराज को दूर करता है, महाराज आप रो रहे हैं? शिवाजी कहते हैं कि शिवा तेरा मेरा रिश्ता क्या है, क्यों तू मेरे लिए अपने प्राण देने को तैयार है? हमारा तो संपूर्ण जीवन मृत्यु और जीवन के संघर्ष में जाने वाला है, लेकिन तुम्हारी तो पत्नी है, परिवार है, बच्चे हैं, सुखी परिवार है, अभी भी सोच लो तुमको यदि जाना है तो वापस जा सकते हो। शिवानाई क्या उत्तर देता है? वो कहता है महाराज मरने के बाद तो रोने वाले सैकड़ों मिल जाते हैं, लेकिन मेरे जैसे एक छोटे से आदमी के लिए जीते जी आप जैसा राजा रो रहा है, इससे बड़ी बात मेरे जीवन में क्या होगी? महाराज आप मेरे से यह मौका छीनिए मत, आप चिंता मत कीजिए, शिवानाई आपका नाम बदनाम नहीं करेगा। यह होता है पॉजिटिव मोटिवेशन। और वहां से बाद में 2 पालकियां निकलती है, 20-25 मिनट दौड़ते हुए जाते हैं। कल्पना कीजिए 600 सैनिकों के साथ शिवाजी 2 पालकियां और वहां से निकलती है, रात के अंधेरे में। जाना कहाँ है? विशालगढ़, 52 किलोमीटर, बरसात के दिन हैं, रात्रि अंधेरा है, नीचे कांटे, कंकड़, पत्थर सब कुछ है, लेकिन जब लक्ष्य तय होता है जीवन के अंदर तो फिर ये सारे दुविधाएं जो है शूल फूल विष अमृत बनता और बनते विषधर शालिग्राम।
महापुरुषों के जीवन में यही आता है हर समय कि पग पग पर उनको इन सारी चीजों का सहय करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। ये 600 महापुरुष शिवाजी को लेकर दौड़ लगाते हैं, मन में एक ही इच्छा शिवाजी को विजय दुर्ग वहां पहुंचाना विशालगढ़ पे। सबके पैरों में कांटे लग रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं, खून निकल रहा है, लेकिन किसी को ध्यान नहीं है। 20-25 मिनट दौड़ते हैं, उतने में आवाज आती है एकदम, रुक जाओ दुश्मन भाग गया। ऐसी आवाज आती है शिवाजी के साथ बाजी प्रभु देशपांडे थे, वो और जोर से चिल्लाते हैं, और तेज चलो, अब ये रुक जाओ तेज चलो, रुक जाओ तेज चलो के अंदर लोग जी जान की बाजी लगा भागते हैं, दुश्मन भाग गया, दुश्मन भाग गया। थोड़ी देर में शिवाजी फिर रोकते हैं अपनी सेना को, उतरते हैं, शिवा काशिप को गले लगाते हैं और कहते हैं कि शिवा, अब यह स्वराज्य बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। सोचिए नेतृत्व को कैसे कठोर निर्णय लेना पड़ते हैं, अपने लोगों को छोड़ना पड़ता है, लेकिन ये सब शिवाजी ने किया है। शिवा उसको गले लगाते हैं और बोलते हैं कि बस अब मेरी एक ही इच्छा है कि तुम्हें फिर से मैं देख सकूं। शिवा काशिद कहते महाराज आप चिंता मत कीजिए, आप आगे जाइए, मैं देखता हूं। और फिर शिवा काशिद को दुश्मन की ओर बढ़ा दिया जाता है। जैसे ही दुश्मन देखते हैं शिवा की, शिवाजी वो जानते नहीं है, शिवाजी की जैसे ही वो आई पालकी घेर लेते हैं, उसको गिरफ्तार करते हैं, सिद्धिजोर के सामने पेश कर देते हैं। सिद्धिजोर सोचता है कि आज मैंने शिवाजी को जिंदा पकड़ लिया, क्योंकि आज तक जिसने शिवाजी को ललकारा वो अल्लाह को हो गया प्यारा, तो अली आदिल शाह मेरे को किन किन उपाधियों से नवाजेंगे। और वो शिवाजी से पूछता है, उस शिवा से, क्यों भागने का इरादा था? ले कोशिश कर रहे थे। बोले हमें तुम्हारे भाग्य पर बड़ा अफसोस है। शिवा कहता है कि शिवाजी का भाग्य कभी खराब नहीं होता, तुम अपने भाग्य की चिंता करो। अच्छा रस्सी जल गई लेकिन ऐठ नहीं गई, जानते हो किसके सामने खड़े हो? बोले जानता नहीं तो आता काहे के लिए यहां पे। अब ये ऐसी एक 20-25 मिनट चर्चा चली होगी, उतने में सिद्धि के जासूस जो थे सिद्धि जौहर के वो वहां पहुंच गए। बोले महाराज ये शिवाजी नहीं है, असली तो भाग गया। भाग गया कहते से ही सिद्धि जौहर खड़ा हो जाता है तलवार लेकर, जैसे नाक खड़ा रहता है, और बोलता कौन है तू? बोले शिवाजी। बोले भाग गया वो कौन? बोले शिवाजी। फिर तू कौन? बोले शिवाजी। इसका बीपी नॉर्मल था, इसका बीपी हाई हो रहा था, मरना इसको था। और ये भी खड़ा हो गया वहां पर थोड़ी देर में खंबा पकड़ के। बोले इसीलिए मैं कह रहा था कि तुम शिवाजी का बाल बांका नहीं कर सकते, तुम अपने भाग्य की चिंता करो। अब तो मालूम नहीं शिवाजी कहां पहुंच गए होंगे, तलवार उसके सीने पे है। कल्पना कीजिए, इसके पास भी तलवार थी लेकिन चलाना आती नहीं थी, जिंदगी भर उस तरह ही चलाया उसने, तो तलवार चलाना और चलाना भी नहीं था उसको, उसको वहां मरना ही था। और बाद में सिद्धि जो और काटो तो खून नहीं, उसके आंखों से खून बरस रहा था, उसने तुरंत तलवार उसके सीने में भोंक दी। शिवा काशी धीरे धीरे खंभा पकड़कर नीचे गिरता है और कहता है कि महाराज इस शिवा काशी का अंतिम सलाम स्वीकार करना, दुश्मन का वार सहा है सीने पर, पीठ नहीं दिखाई महाराज, स्वराज्य का नाम मैंने बदनाम नहीं किया। इसको कहते हैं मोटिवेशन। फिर सिद्धि मसूद के नेतृत्व में 4000 की सेना फिर भेजी जाती है, पावन खिंड की घटना को मालूम है सबको। पावन खिंड पहले घोर खिंड नाम था, लेकिन उस घोर खिंड में आते आते शिवाजी को सूचना मिलती है कि सिद्धि मसूद 4 किलोमीटर पे आ गया है, 4000 की सेना लेकर घोड़े पे दौड़ता चला आ रहा है। ये 40 किलोमीटर दौड़े थे, कोई सैनिक ऐसा नहीं था जिसके पैरों के अंदर सारा खून से लथपथ हो रहा था पैर। कल्पना कीजिए आप 4 किलोमीटर दौड़ते हैं तो किसी टपरी पे जाकर चाय पीते हैं, थक गए आप थोड़ी देर रहा विश्राम करेंगे, ये 40 किलोमीटर दौड़े हैं। और बाद में पता लगता है सिद्धि मसूद आ गया 4000 की सेना के साथ, शिवाजी कहते अब यही दो दो हाथ करेंगे। बाजी प्रभु देशपांडे कहते हैं नहीं महाराज ऐसा नहीं होगा, इतनी बड़ी हमने यदि मेहनत की है तो इसके ऊपर आप पानी नहीं फेर सकते, आप 300 सैनिकों के साथ आगे जाइए। निम्या लोकांसह तुम्हें गड़ावर जाने, गड़ावर जाऊन भांडी मारने तो और आम्ही गनिमाशी झुंजतो, आम्ही साहेब कामावरती मरतो, कारण आमच्या मुला लेकर अन्न पाणी देण्यास महाराज साहेब आहेत। इतना विश्वास था शिवाजी के ऊपर, यह है मोटिवेशन कैसा होना चाहिए, प्रजा का इतना विश्वास था। और बाद में 300 सैनिकों के साथ शिवाजी आगे चले जाते हैं, फिर शिवाजी बाजी प्रभु को गले लगाते हैं। सोचिए अभी शिवा काशिद को छोड़ के आए थे,
अब ये बाजी प्रभु को 4000 की सेना के साथ 300 सैनिक कब तक लड़ेंगे, और 40 किलोमीटर दौड़कर आए हैं, सबके पैरों में खून आ रहा है। ये निश्चित था कि ये 300 सैनिक शहीद होने वाले हैं। शिवाजी फिर गले लगाते हैं बाजी प्रभु को और बाजी से कहते हैं कि बाजी एक बात ध्यान रखना कि जैसे ही तोप की आवाज आएगी तुम दौड़कर चले आना, सब कुछ छोड़ देना। बाजी कहते हैं आप चिंता मत कीजिए महाराज, अब समय मत गंवाइए, आप तो आगे जाइए। 300 सैनिकों के साथ शिवाजी आगे जाते हैं। 7 घंटे तक बाजी प्रभु देशपांडे वहां लड़ते हैं। 12 किलोमीटर चलने के लिए 7 घंटे क्यों लगे? तो वो विजय वहां विशालगढ़ पे, वहां पर सूर्याजी सुर्वे और एक और उनके सेनापति मुगलों के, दोनों हिंदू थे। ये दुर्भाग्य है हिंदू समाज का, लेकिन वो उसकी रक्षा में लगे हुए थे। उनकी 1000 की सेना के साथ ये 300 सैनिक 52 किलोमीटर दौड़ने के बाद लड़ते हैं, उनको पराजित करते हैं। यहां बाजी प्रभु देशपांडे 7 घंटे तक सैनिकों को रोक के रखते हैं। कोई सैनिक ऐसा नहीं था जिसके शरीर पर 70-80 घाव नहीं आए होंगे, संपूर्ण शरीर लाल बुंद हो रहा है। बाजी प्रभु बेहोश पड़े हुए, थोड़ी देर में होश आता है। वो कहते हैं कि तोप की आवाज आई क्या? एक सैनिक कहता है नहीं आई, अभी नहीं आई। कहते ही बाजी प्रभु देशपांडे फिर तलवार लेके खड़े हो जाते हैं। किसी लेखक ने लिखा है कि तोपे आधी मरे न बाजी, सांगा मृत्युला। शायद मृत्यु भी किसी कोने में सहमी सहमी थरथरा रही होगी कि इस जवान को हाथ कैसे लगाएं। और फिर बाजी प्रभु दोनों हाथों में तलवार लेकर लड़ने के लिए निकलते हैं। शिवाजी वहां पर जाते से ही, विशालगढ़ पर जाते से ही, सबसे पहले तोपखाने में जाते हैं और बोलते हैं तुम तोप चलाओ। और तोप के माध्यम से मानो शिवाजी बाजी को आवाज लगा रहे थे कि बाजी मैं पहुंच गया, बाजी तुम आ जाओ। शिवाजी की एक ही इच्छा थी बाजी प्रभु को फिर से देख लें, और बाजी की एक ही इच्छा थी कि तोप की आवाज आ जाए। जैसे ही तोप की आवाज आती है, ये 300 सैनिक बचे हुए अपने शस्त्र डाल देते हैं और वो कत्ल कर दिए जाते हैं। उनके रक्त से पावन हुई वहां की माटी, और वो खिंड, वो घोर खिंड से पावन खिंड के रूप में प्रचलित हो जाती है। आज भी आप पावन खिंड में जाएंगे तो वहां बाजी प्रभु की समाधि बनी हुई है। हम में से कई लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो जरूर देखने जाइए, प्रेरणा मिलती है। हमने लाल किला नहीं देखा तो चलेगा, आगरा का किला नहीं या फतेहपुर सीकरी नहीं देखा तो सब अय्याशी के किले हैं, लेकिन शिवाजी के एक एक स्थान ये हमको प्रेरणा देने वाला है। और इसलिए आज शिवाजी प्रासंगिक है। 350 वर्ष के बाद भी हम क्यों शिवाजी को याद कर रहे हैं? ये शिवाजी की विशेषता है, मोटिवेशन। और भी अनेक विशेषताएं शिवाजी का, फाइनेंस कैसा था उस समय के, जितने राजा महाराजा थे इन सब का अपना राजकोष भरने का कोई यदि स्रोत था तो वो टैक्सेशन, और टैक्स किसके ऊपर? उसको में कोई इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं थी, कोई कंपनियां और ऐसी कुछ नहीं थी, तो टैक्स लगता था किसान के ऊपर। और शिवाजी का कहना यह था कि कुठल्याही शेतकरीचा भाजीचा देठाला सुद्धा हात लावता कामा नये। अब किसान यदि टैक्स देगा, कभी कभी अकाल होता है, कभी अतिवृष्टि होती है, कहीं अनावृष्टि होती है, कहीं सूखा पड़ जाता है, तो किसान राजकोष कैसे देगा? तो शिवाजी ने कहा कि हम व्यवसाय करेंगे, धंधा करेंगे। क्योंकि उस समय के जितने हमारे प्रशासन करने वाले, चाहे अंग्रेज हो, पुर्तगीज हो, फ्रेंच हो, मुगल हो, ये सारे लोग बिजनेस करते थे बाहर से। जावली जीतने के बाद शिवाजी जब रायगढ़ पे वहां देखा, उन्होंने समुद्र के ऊपर देखा, तो उनको ध्यान में आया कि समुद्र ये विश्व की ओर देखने की एक खिड़की है, और हमको समुद्र पार करना पड़ेगा यदि धंधा करना है तो। और धंधा करना है तो अपनी डिग्निटी को संभाल के रखा शिवाजी ने। ऐसा नहीं कि धंधा करना है तो तुरंत धंधे पे बैठ गए। जो सिद्धांत है उसको, उस समय का सबसे अच्छा व्यवसाय कोई था तो वो गुलामों का व्यवसाय था, कि यहां से गुलाम पकड़ के ले जाओ, महिलाओं को पकड़ के ले जाओ, वहां पर बेचो और पैसा कमाओ। शिवाजी ने कहा हमारे देश में ऐसा नहीं होगा, मैं वो धंधा नहीं कर सकता कभी। और धंधा करना है, व्यवसाय करना है, पैसा कमाना है, तो कुछ ना कुछ हमको नाव भी लगेगी। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों से और पुर्तगालियों से और इनसे सबसे कहा कि हमको कुछ आप नाव बेच सकते हैं, हम खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई उनको देने को तैयार नहीं था। तो शिवाजी ने कहा ठीक है, मेक इन इंडिया, अपनी स्वयं की नावें तैयार की शिवाजी ने। इसलिए शिवाजी को कहते हैं कि ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन नेवी,
एंड नॉट ओनली द इंडियन नेवी बट ही वॉज फादर ऑफ ऑल्सो इंडियन मर्चेंट नेवी. शिवाजी ने अपनी नौसेना तैयार की, सबसे पहली भारत की नौसेना थी वो शिवाजी ने तैयार की है. और इसलिए उस शिवाजी का वो जो ये है सील, प्रतिपत चंद्र लेखे उर वरदिष्णुर विश्ववंदिता शाह सून शिवसैषा मुद्रा भद्राय राजते, इस मोहर को आज कुछ दिन पहले ही इंडियन नेवी ने स्वीकार किया है अपने इसमें कि भारतीय नौसेना इसके जनक कोई है तो शिवाजी है. और शिवाजी ने इस प्रकार के लगभग 20 जहाज तैयार किए, कुछ लड़ाकू जहाज थे. उस समय के पोर्तुगीज एक था सेनापति, वो पोर्तुगीज कहता था कि ये सब बेकार की बात है, ये शिवाजी के जहाज किसी काम के नहीं है, बेकार है. अंग्रेज कहते थे कि इंग्लिश पीपुल वुड नेवर बी स्लेव्स, व्हाई, बिकॉज इंग्लिश फ्लीट्स रूल्स द वेव. अंग्रेजों की सेनाएं जो है, अंग्रेजों के जहाज जो है, ये तरंगों पर राज करते हैं. उन पुर्तगालियों को हराने वाले अंग्रेज थे और इन अंग्रेजों को हराने वाले शिवाजी थे. खांदेरी उंदेरी की लड़ाई के पास समुद्र से 12 समुद्री किलोमीटर दूर पे इन शिवाजी ने छोटे छोटे जहाजों के माध्यम से अंग्रेजों को परास्त किया है. तब अंग्रेज का जो सेनापति था उसने कहा कि यदि हमको शिवाजी से लड़ना है तो हमें भी छोटी नावें बनाना पड़ेगी. उनके पास बड़े बड़े जहाज थे लेकिन शिवाजी का वो किसी काम के नहीं है, हमारी छोटी नावें काम आएगी. शिवाजी ने कई प्रकार की योजनाएं चालू की. पावन खिंड और इस गोरखिंड के बाजी प्रभु देशपांडे के इसमें जितने सैनिक 300 सैनिक हताहत हुए, इन सब के वहां जाकर प्रत्येक के घर घर पे जाकर उनकी चिंताएं की. शिवाजी ने कोई योजनाएं, आजकल जैसे सरकार योजनाएं चालू करती है महिलाओं के लिए और उनके लिए, शिवाजी ने एक आडिशेरी योजना चालू की. प्रत्येक परिवार के अंदर 250 अनाज प्रति सप्ताह दिया जाएगा. एक बाल परवेशी योजना चालू की कि जो ऐसा हताहत होता है सैनिक, उसके घर पे यदि कोई छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों की परवरिश पूरी सरकार करेगी, शिवाजी करेंगे. अड़ीशेरी, बाल परवेशी, ये जो अनुकंपा नियुक्ति आजकल होती है वो भी शिवाजी ने चालू की थी कि यदि उसके घर पे कोई नौजवान व्यक्ति है और जो सेना में आ सकता है तो शिवाजी उसको अपने सेना में स्थान देते हैं. तो इस प्रकार की अनेक योजनाएं, एक सिस्टम शिवाजी ने तैयार किया. मैं रहूं या ना रहूं लेकिन यह सिस्टम चलना चाहिए, यह शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन की विशेषता थी. मटेरियल मैनेजमेंट, यानी शिवाजी के आगरा के किले में है, शिवाजी आगरा में कैद है, उनको मालूम है कि आज नहीं तो कल हमारी हत्या होने वाली है. और ऐसे समय में सिंधु दुर्ग का निर्माण होने वाला हो रहा था. विश्वनाथ प्रभु नाम के आर्किटेक्ट उस समय के जो भी होंगे वो वहां पर देख रहे थे. शिवाजी आगरा से एक पत्र लिखते हैं विश्वनाथ प्रभु को कि देखो सिंधु दुर्ग तुम बना रहे हो समुद्राच्या मध्ये, तो आणि तुम्ही त्याला जी रेत उपयोग कराल ती समुद्राची रेती घ्याल, समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याची रेती याच्यात ताकत कमी असते, इसलिए आप इस रेत को मीठे पानी से धोना, पहले 2-3 बार धोना और उसके बाद उसका उपयोग करना. ये शिवाजी लिख रहे हैं वहां से, 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो सकती है, शिवाजी को भी मालूम है. लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क करना है तो कैसे करना है, उसका नींव जब खोदेंगे तो उसके अंदर शीशा डालना भूलना मत, वो शीशा अंग्रेजों से खरीदना पड़ता है, ये भी शिवाजी उस पत्र में लिखते हैं. तो इसको कहते हैं मटेरियल मैनेजमेंट. फिर कमिटमेंट कैसा होना चाहिए, तो शिवाजी ने उस समय शिवाजी मिर्जा राजा जय सिंह का पुत्र जो था राम सिंह, इस राम सिंह के इसमें थे दर्शन, उसमें थे सुरक्षा में शिवाजी, तो राम सिंह को वो 75,000 ची एक कागज लिहून त्यांनी उधार राम सिंह का जवळ करून घेतले. राम सिंह को भी मालूम था कि 2-3 दिन बाद इनकी हत्या होने वाली है, तो इनकी इस हुंडी का बेरर चेक, देखाड़ हुंडी त्याला म्हणतात, या देखाड़ हुंडीचा अर्थ काय, शिवाजी तो मरणार आहे नाहीतर मला मिळतील की नाही पैसे त्याचं ठाऊक नाही. पर विरोधी आदमी को भी शिवाजी के ऊपर इतना विश्वास था, राम सिंह जानते थे कि शिवाजी की हत्या भी क्यों ना हो गई लेकिन मैं हुंडी लेकर यदि मोरोपन पिंगले के रायगढ़ में गया तो वहां पर मुझे पैसा मिलेगा. और शिवाजी 75,000 रुपए उनसे लेते हैं
और उसको देखाड़ हुंडी लिख के देते हैं, उनको पैसा मिलता है। शिवाजी की हत्या नहीं होती है, दूसरी बातें, भाग जाते हैं वहां से शिवाजी। लेकिन कमिटमेंट कैसा होना चाहिए इस प्रकार का, फिर निर्णय कैसे लेना। खंडोजी खोपड़ा का हमने नाम सुना है, अफजल खान जब सालून ये होता अफजल खान, अनेक शिवाजीचे आपले सेनापती आणि मोठे मोठे हे सर्व ज्यांना भीती वाटत होती ते अफजल खानाला जाऊन मिळाले, त्यात एक खंडोजी खोपड़ा सुद्धा होता। खंडोजी खोपड़े, खोपड़ा शिवाजी म्हणायचे त्याला, कारण खंडोजी खोपड़े असं नाव होतं त्याचं, तर तो सुद्धा तिथे अफजल खानाला मिळाला। पण त्याच्यानंतर अफजल खानाची मृत्यू झाली त्याच्या दुर्भाग्याने, आणि खंडोजी खोपड़े फिरायला लागला। आता त्याला कळत नव्हतं आता कुठे जायचं, शिवाजी के पास जाऊंगा तो शिवाजी मेरे को तोप से उड़ा देंगे ये पक्का है। तो फिर कान्होजी जेधे नाइक थे वहां पर, ये नाइक और खंडोजी खोपड़े अच्छे परिचित थे, तो खंडोजी नाइक के पास जाते हैं, बोले नाइक मेरी जान बचा लो। बोले क्यों? बोले मेरी जान बचा लो नाइक, मेरे बड़ा पश्चाताप हो रहा है, मैंने गलत काम किया। बोले गलत काम किया ना तो जाओ तोप के मुंह में। नाइक उनके लिए जिनका कोई अपराध नहीं है, मेरे बीबी बच्चों के लिए मेरी जान बचा लो, उसका सिंदूर बचा लो मेरी बीबी का, उसको आपने अपनी बहन माना है। नाइक जैसी बहन का वास्ता दिया जाए तो नाइक थोड़े पिघल जाते हैं, और फिर नाइक कहते हैं अच्छा छुप के रहना मैं महाराज से बात करता हूँ। और फिर नाइक शिवाजी के पास जाते हैं, बोलते हैं महाराज, तुरंत शिवाजी कहते हैं नाइक आइए, नाइक आप मेरे पिता के समान हैं, अफजल खान के लड़ाई में सबसे ज्यादा काम आपने किया है। महाराज एक विनंती है, बोलिए नाइक, वो आपका अधिकार है। महाराज अपना वो खंडोजी, खंडोजी उसका नाम बतलो नाइक। बोले हाँ महाराज, बहुत पछता रहा, एक बार मेरे कहने से उसको माफ कर दो आप, नामंजूर। आप खंडोजी की तरफगारी क्यों कर रहे हैं नाइक, उसको तो चार टुकड़े करके कुत्तों को खिला देना चाहिए। महाराज आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनके लिए जिनका कोई कसूर नहीं है, उनकी बीबी का सुहाग बचा लो, बच्चों को अनाथ होने से बचा लो नाइक महाराज। शिवाजी कहते ठीक है नाइक, आपकी बात मान ली हमने। तुरंत नाइक प्रसन्न हो के घर जाते हैं, खंडोजी से कहते हैं कि मेरे कहने से महाराज ने आपको माफ कर दिया, जाओ दरबार में हाजिर हो जाओ। हो जाऊंगा। दूसरे दिन दरबार में हाजिर हो जाता है। जैसे ही खंडोजी आते हैं, शिवाजी अपने सिंहासन से खड़े हो जाते हैं, लाल आंखें करते हैं, बोले खिलेदा पकड़ लो इस नालायक को, इसका बायां हाथ और दाहिना पैर अभी के अभी यही कलम कर दो। खंडोजी बहुत चिल्लाता है लेकिन नहीं, उसका बायां हाथ दाया पैर कलम कर दिया जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है। दूसरे दिन नाइक दौड़ते हुए थे शिवाजी के पास आते हैं, महाराज हमारे साथ आपने जो वादा किया था। बोले नाइक एक बात बताओ, यदि राष्ट्रद्रोह जैसा इतना बड़ा यदि कोई अपराध करता है और उसको बिना कोई सजा दिए छोड़ दिया जाए तो लोग क्या कहेंगे? कि शिवाजी के राज्य में चाहे जितना बड़ा अपराध हो सकता है, बस पहचान चाहिए। आज क्या होता है हमारे देश के अंदर, देश के अंदर बहुत बड़े अपराध हो जाते हैं, लेकिन वो उसका भतीजा है, वो उसका लड़का है, वो उसका दामाद है, वो उसकी लड़की है, माफ कर दिया जाता है। शिवाजी के समय नहीं चलता था। शिवाजी के मामा थे मोहिते मामा, वो भी मुगलों का राज चलाते थे और गरीबों को लूटते थे। तो ये संदेश जब शिवाजी के पास आता है और जीजा माता के पास आता है, तो शिवाजी सोचते हैं इस मामा है वो हमारे, अब इनमें कौन हाथ डालेगा। जीजा माता कहती है कि राजे उस मोहिते मामा को तुरंत गिरफ्तार करो। पंत कहते हैं आऊ साहिबा, लेकिन वो महाराज के मामा है। तो जीजा माता एक ही कहती है कि कंस भी कृष्ण का मामा था ना, उसका क्या करना पड़ा। बोले पैसे का चस्का लगा हुआ इंसान और इंसान के खून का चस्का लगा हुआ शेर, इन दोनों की एक ही सजा है, उसको तुरंत तोप से उड़ा दो। मामा यदि लड़ने के लिए आए तो उसको तोप से उड़ा दो, और गिरफ्तार हो जाए तो उसको जंजीरों में जकड़ के रख दो। तुरंत दूसरे दिन मामा के ऊपर छापा पड़ता है, शिवाजी उसको गिरफ्तार करके लाते हैं, उसको बांध के फेंक देते हैं और उसका सारा पैसा गरीबों में बांट देते हैं। यानी अपना रिश्तेदार भी क्यों ना हो, लेकिन उसके साथ नीति कैसी होना चाहिए, ये शिवाजी की विशेषता।
फिर मैनेजमेंट विथ ह्यूमन फेस, एक राजा के नाते मुझे क्या करना चाहिए। हम जानते हैं प्रतापराव गुर्जर शिवाजी के सबसे बड़े सेनापति थे और बहलोल खान के ऊपर आक्रमण करने के लिए उनको भेजा था। उन्होंने आक्रमण करके उसको परास्त किया, उसको गिरफ्तार किया, लेकिन बहलोल खान जब हाय खाने लगे, उनके सामने भीख मांगने लगे जान की, तो इनको मालूम नहीं, दया आ गई और छोड़ दिया। और शिवाजी को पता लगता है, शिवाजी एकदम एक पत्र लिखते हैं प्रतापराव गुर्जर को, सलाह काय निमित्त केला, स्वतःला सेनापति म्हणवता आणि केली शेवटी शिपाईगिरी के फक्त। आता बहलोल खानास गर्देश मिळाला बिना आमासी रायगडी तोड न दाखवणे, इतना कठोर पत्र लिखा। प्रतापराव गुर्जर चिंतित हो गए और बाद में हम जानते हैं सात लोगों की से लेकर दौड़ पड़े बहलोल खान के ऊपर और सातों लोग शहीद हो गए। प्रतापराव गुर्जर जैसा एक ऐसा व्यक्ति, हमारा हाथ टूट गया, शिवाजी को दुख होता है, लेकिन करेंगे क्या। एक राजा होने के नाते उन्होंने जो निर्णय लिया, लेकिन अब एक मित्र के होने के नाते मैंने क्या करना चाहिए। किसी घर का कर्ता पुरुष यदि समाप्त हो जाता है तो हम जानते हैं उसके घर की स्थिति आज क्या होती है, 350 साल पहले क्या होती होगी, हम कल्पना कर सकते हैं। शिवाजी प्रतापराव के घर पे जाते हैं और उनकी छोटी एक लड़की थी, उस लड़की को राजा राम की बहू के रूप में स्वीकार करते हैं। इसको कहते हैं मैनेजमेंट विथ ह्यूमन फेस। ये शिवाजी की विशेषताएं थी और इसलिए सबसे पहला इतिहास लिखने का काम शिवाजी ने किया। हमारे यहां इतिहास बनाने का आदत थी, लेकिन इतिहास लेखन का काम नहीं करते थे। शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में जो विवाद हुआ था, जो संवाद हुआ था, उसका कहीं लेखन नहीं था, उसका संहितीकरण नहीं हुआ था। तो शिवाजी गागा भट्ट को निवेदन करते हैं कि आप संन्यास लेने के पहले एक बार यदि ये काम कर देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। और शिवाजी महाराज के कहने पर शिवार को दया नाम का एक ग्रंथ लिखा है गागा भट्ट ने, और वो दोनों का संवाद उसके अंदर संहितीकरण किया है। इतिहास लिखना, मराठों का इतिहास लिखने का काम किसने किया है, तो एक जागीर नाम का एक अंग्रेज व्यक्ति था, उसने किया है, डी जागीर। हम इतिहास लिखते नहीं थे, शिवाजी ने लिखने का काम किया। सबसे पहला शब्दकोश बनाया, उसमें फारसी भाषा चलती थी, तो मराठी और फारसी भाषा का शब्दकोश, डिक्शनरी जिसको कहते हैं हिंदी में, उस डिक्शनरी को बनाने का काम शिवाजी ने किया था। शंकराचार्य का मंडन मिश्र का वो संवाद, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तो शिवाजी ने स्वीकार किया, लेकिन शंकराचार्य कहते थे उस समय, शंकराचार्य के समय, कि ये समुद्र को नहीं लांघना, उसको शिवाजी ने अस्वीकार कर दिया। नीर क्षीर विवेक, क्या अच्छा है उसको लेना और क्या अच्छा नहीं है उसको छोड़ देना, यह शिवाजी की विशेषता थी। ही नेवर फॉट फॉर प्राइज, शिवाजी स्टूड ऑलवेज फॉर वैल्यूज, यह विशेषता थी शिवाजी की। हम हर समय प्राइस के ऊपर ज्यादा जाते हैं, वैल्यू नहीं जानते उसकी। पानीपत की लड़ाई हम हारे हैं, ये सत्य बात है। सैनिक दृष्टया हम पानीपत की लड़ाई हारे हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टया हम पानीपत की लड़ाई जीते हैं। क्यों? क्योंकि शिवाजी के मरने के बाद 80 साल तक आगरा और दिल्ली के किलों पर मुगलों के झंडे के साथ में मराठों का झंडा भी फड़फड़ाता था वहां पर, और उस खैबर घाटी से उस लड़ाई के बाद में एक भी आक्रमण वहां से नहीं हुआ आज तक। पर हम केवल प्राइस देखते हैं, हमारे इतिहास में लिखा है पानीपत की लड़ाई हम हारे, इसकी ये तीन कारण, ये जो लिख देगा उसको 3 अंक मिल जाएंगे, ये है उसका प्राइस। लेकिन उसका मूल्य क्या है, आज भी आजकल हमारा देखते हम प्राइस के ऊपर ज्यादा लड़ाई होती है। गैस के 2 रुपया बढ़ गया, गैस का 2 रुपया बढ़ गया, तो उस टीवी के ऊपर 3 महिलाएं बहुत ब्यूटी पार्लर ने 1000 रुपया खर्चा देके आएगी और वो बहस करेगी कि घर का बजट बिगड़ जाता है, 2 रुपया गैस खर्चा हुआ है। लेकिन वो गैस का मूल्य बढ़ने के बाद हमारे देश के अंदर कितना विकास हो रहा है, उसकी वैल्यू को हम नहीं देखते हैं, हम केवल प्राइस को देखते हैं। इसलिए हमको ये समझ लेना पड़ेगा, शिवाजी को पकड़ने के लिए किसको भेजा, मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह जैसा एक जयपुर घराने के, कुशवा घराने का महापुरुष, लोह पुरुष, लेकिन एक बार 8 साल की उम्र में औरंगजेब के सामने घुटने टेके, जिंदगी के अंतिम क्षण तक घुटने टेका रहा। उस मिर्जा राजा जयसिंह को औरंगजेब भेजते हैं शिवाजी को पकड़ने के लिए।
कल्पना कीजिए, अपनी 55 साल की ढलती उम्र में अपना सारा अनुभव, पराक्रम, कीर्ति सब कुछ लेकर वो मिर्जा राजा पकड़ने के लिए गलत निकलते शिवाजी को, और इस शिवाजी के पकड़ने के मुहिम में मैं सफल हो जाऊं इसलिए काशी विश्वनाथ का अभिषेक करते हैं, काल रात्रि बगुलामुखी का ये जप करते हैं, अनेक प्रकार के अनुष्ठान करता हुआ शिवाजी वो मिर्जा राजा आ रहा है। क्यों? इतना सा विवेक मिर्जा राजा ने नहीं रखा कि हजारों मंदिरों को तोड़ने वाले उस औरंगजेब के आदेश को पालन करने के लिए मंदिरों की रक्षा करने वाले उस शिवाजी को पकड़ने में सफल हो जाऊं इसलिए सारे अनुष्ठान कर रहे हैं। इसको कहते हैं धार्मिक लोगों की अधर्म साधना। उस समय तो एक मिर्जा राजा था, आज हमारे देश में मिर्जा राजाओं की कमी है क्या? 1947 में हुए भारत माता के विभाजन को पूरी तरह से भूलकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए सतत अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करने वाले और हिंदूवादी शक्तियों को गाली देने वाले ये सारे लोग कौन है? दुर्भाग्य से हिंदू है। आज हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन शिवाजी है और कौन मिर्जा राजा है। आज आपके सामने बहुत लोग आएंगे, मिर्जा राजा बनकर आएंगे, बड़ा भारी भारी अनुष्ठान करेंगे, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कौन जयचंद है और कौन पृथ्वीराज है, कौन राणा प्रताप है, कौन शक्ति सिंह है, कौन शिवाजी है, कौन मिर्जा राजा है। हिंदू समाज को मिला हुआ यह अभिशाप है, कटु लेकिन सत्य है, कि हिंदू का विरोध हिंदू ने ही किया है। आज से लगभग 80 साल पहले ब्राजील की एक पत्रिका में कंपेरेटिव स्टडी छपी थी, उसमें उसने लिखा था इफ देर इज वन ब्रिटिश मैन ही साइंटिस्ट, टू ब्रिटिश मैन ब्यूटिफुल ऑर्गेनाइजेशन, एंड थ्री ब्रिटिश मैन देर इज एन एम्पायर, इफ वन जर्मन ही सोल्जर, टू जर्मन कॉन्स्पेरेसी, एंड थ्री जर्मन वर्ल्ड वॉर, वन मुस्लिम ही इज कॉवर्ड, टू मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट, एंड थ्री मुस्लिम जिहाद, फिर लिखता है वन हिंदू ही इज फिलोसोफर, एक हिंदू फिलोसोफर है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सब जानता है, वन हिंदू इज फिलोसोफर, टू हिंदू आर्ग्यूमेंट, एंड थ्री हिंदू कंफ्यूजन। ये थी स्थिति हिंदू की, चार हिंदू एक दिशा में जाते ही नहीं जब तक पांचवा कंधे पे नहीं हो, और यही स्थिति शिवाजी के समय भी थी। सब कुछ होने के बाद भी, इतने पराक्रमी लोग होने के बाद भी क्यों हम 1500 वर्ष तक गुलाम रहे? कारण एक ही था, हिंदू समाज के अंदर फूट थी। लेकिन आज ऐसा अब दिखता नहीं है। अब कोई यह नहीं कह सकता, नेहरू जी ने अपने आत्मकथा में कहा है कि मुझे गधा कह लो लेकिन हिंदू मत कहना। सावरकर कहते थे कि मेरी चीख ये हिंदू समाज की अंतिम चीख है, इसके बाद हिंदू समाज चीख नहीं पाएगा। गांधी जी कहते कि हिंदू इज कॉवर्ड एंड मुस्लिम इज बुली, हिंदू डरपोक है और मुसलमान गुंडा है, और जब तक डरपोक रहेंगे तब तक गुंडे उसके ऊपर राज करेंगे। पर आज कोई यह नहीं कह सकता कि मुझे गधा कह लो लेकिन हिंदू मत कहो। आज कितने गर्व से कहो हम हिंदू हैं। 500 साल के संघर्ष के बाद आज हम सब भाग्यवान लोग हैं कि हमने राम मंदिर बनते हुए देखा है। आज तक हमने देश को टूटते हुए देखा, देश को बनते हुए नहीं देखा, लेकिन आज ऐसा नेतृत्व आया है जिस नेतृत्व के मार्गदर्शन में आज हमारा देश प्रगति कर रहा है। तो यह शिवाजी की विशेषता है, और इसलिए शिवाजी के बारे में, शिवाजी के सबसे बड़ा शत्रु कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब ये अपने जो उनका लड़का था उस लड़के को संबोधित करके कुछ बोलते हैं, उसका संवाद है, मैं सुनाता हूं आपको। कि एक तरफ औरंगजेब शिवाजी से मार खाकर आए हुए सारे वो है सेनापति सरदार इनके, और एक तरफ उनका शहजादा खड़ा है, और औरंगजेब अपने शहजादे से कहते हैं ये सब फिजूल है शहजादे, चंगेज और तैमूर के खून ने कभी शिकस्त नहीं देखी, लेकिन आज कंधार से तंजोर तक सारे हिंदुस्तान के ऊपर मुगलिया सल्तनत का ख्वाब देखने वाले मां बदौलत ये सब क्या देख रहे हैं? शिवाजी हमारे आंखों के सामने अपने सल्तनत की तामीर कर चुका है, हमारी लाखों की फौज के सूबेदारों को शिकस्त देकर खदेड़ दिया है उसने। ये है हमारे मामूजान मिर्जा अमीर उल उमरा नवाब आजम शाइस्ता खां साहब, सबसे
सबसे शर्मनाक बात तो यह है शहजादे कि शिवाजी ने इनके लाल महल पर छापा मारकर इनके छक्के छुड़ा दिए। ये तो तकदीर के सिकंदर थे कि जान बच गई, सिर्फ तीन उंगलियां ही खोनी पड़ी इन्हें। यह सूरत के खूबसूरत सूबेदार नायक खां बहादुर, शिवाजी जब सूरत आए तो ये सूरत से धूम दबा करके भाग गए। यह जसवंत सिंह जोधपुर महाराजा, मराठों की मार के जख्म इन्होंने छाती पर नहीं पीठ पर खाए। यह फौलाद खान जिनकी हथेली पर मिठाई धर के शिवाजी आगरा के कैद खाने से फरार हो गए, हमारे सारे मंसूबों को खाक में मिला दिया इस फौलाद खान ने। बेतहाशा लश्कर होते हुए भी ये है हमारे कारतलब खान, ये इनायत खान, तमाम सारे राजपूत बुंदेल पठान मुगल तुर्क ईरानी बगदादी हबशी कजाकी और फिरंगी फौज बन सरदार जिन्हें शिवाजी ने शिकस्त दी, हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तौबा तौबा, क्यों क्यों शिवाजी को फतेह हासिल होती है मालूम है तुम्हें शहजादी? शायद तुम कभी नहीं समझ पाओगे। औरत शराब नाच गाने शिकार मौज मस्ती इश्क और मोहब्बत में गिरफ्तार तुम्हारे जैसे बहादुर शिवाजी को कभी समझ नहीं पाएंगे। इस शिवाजी ने नए किले बनाए हैं, अपना असला बढ़ाया है, नए जंगी बहरे की तामील की है उसने, लेकिन उससे भी कई ज्यादा न जीतने जाने वाले मजबूत जमीर के लोग तैयार किए उसने। हमने शिवाजी के सरदारों को लाखों की जागीर का लालच दिया, लेकिन उन खुददार खादिमों ने हमारी जागीर पर थूक दिया। आज तक दुनिया की हर चीज हम खरीद सकते थे, लेकिन शिवाजी के सरदार ये थकते नहीं, ये रुकते नहीं, ये बिकते भी नहीं। शिवाजी घाघ है, चालाक है, नामाकूल है, मगरूर है, बदकार है, लेकिन उसका चाल चलन दूध की तरह साफ और सूरज की तरह चमकदार है। तभी तो उसकी इज्जत और शौहरत बुलंद इमारत की तरह सर उठाए आसमान छू रही है। इसमें कोई शक नहीं कि हम खुश नसीब है, हमें दुश्मन भी मिला तो शिवा जैसा। यह है औरंगजेब का संवाद शिवाजी, यानी शत्रु भी शिवाजी के बारे में क्या बोलता है यह हमको समझना पड़ेगा। इसलिए आज शिवाजी अत्यंत प्रासंगिक है। शिवाजी का कहना ही यह रहता था कि भौतिक शत्रु या भौतिक शस्त्र से ही मारा जा सकता है, आध्यात्मिक शक्तियों से भौतिक शत्रु को नहीं मारा जा सकता। रामायण में हम देखते हैं ना, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, वाल्मीकि विश्वामित्र वशिष्ठ, लेते थोड़ा सा पानी कमंडलू से डाल देते रावण के ऊपर, भस्म हो जाता, किसी में ताकत नहीं थी। जब भगवान को भी उसका पर्याय नहीं है तो हमारी क्या विसात। भौतिक शत्रु को भौतिक शस्त्र से ही मारा जाना चाहिए, लेकिन आज हमने शस्त्र छोड़ दिए। आज हमारे घर पे शस्त्र नहीं मिलता, एक लाठी भी नहीं मिलती। पहले तो कपड़े सुखाने के लिए लाठी का उपयोग होता था, आजकल वो हैंगर बन गया, रस्सी से नीचे आ जाता है, हैंगर डाल दिए। पहले शेवया घरी करत होतो आणि त्या वाळवण्यासाठी एक दंडा असायचा आमच्या घरी, आजकल शेवया सुद्धा मार्केटमध्ये विकत घेतो आपण। हर चीज, एक लाठी तक नहीं मिलती, शस्त्र क्यों नहीं है? नवरात्रि में हम व्रत करते हैं, नव दुर्गा मनाते हैं, और नव दुर्गा में होते कार्यक्रम कौन से हैं? तो सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत की रिकॉर्ड एक्शन हो रहा है। हो क्या रहा है? हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, इसके ऊपर रिकॉर्ड एक्शन हो रही है। कहीं डांडिया हो रहा है, कहीं फैशन परेड हो रहा है। अरे नव दुर्गा है, सप्तशती पढ़ोगे तो आप ध्यान में आएगा कि नौ दिन लड़ाई लड़ी है, हमारे यहां स्त्रियों ने भी लड़ाई लड़ी है। जब दुर्गा उस रक्त बीज को मारने के लिए लड़ाई के लिए गई वहां पर, और उस रक्त बीज को ये एक वरदान था कि उसका एक बूंद भी यदि खून का नीचे गिरेगा तो नया रक्त बीज खड़ा हो जाएगा। जब दुर्गा ने सोचा कि ये ऐसी इन रक्त बीजों की यदि पॉपुलेशन बढ़ने लगे, आज जैसी बढ़ रही है रक्त बीजों की पॉपुलेशन, तो यदि ऐसी इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लग जाएगी तो फिर कैसे चलेगा? दुर्गा जाती है काली के पास में, बोले माता तुम भी आओ लड़ाई के लिए। काली कहती है मेरा क्या काम? बोले मैं मारती जाऊंगी, तुम ऊपर ही ऊपर खून चूसती जाना। कितना नॉनवेज युद्ध लड़ा है महिलाओं ने, लेकिन ऐसा नौ दिन लड़ाई लड़ी है तब फिर विजयादशमी है, और विजयादशमी अच्छी हुई तो मग पुढे दिवाळी आहे, आणि काहीच नाही केलं तर मग होळी आहे।
इसलिए हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि शस्त्र हमारे हाथ में होना ही चाहिए। आप यदि ये भी देखेंगे चित्र, तो शिवाजी के पीछे दुर्गा खड़ी है और उसके हाथ में क्या है, दोनों हाथों में शस्त्र है। हिंदुओं को आज का युग धर्म शक्ति उपासना है। जग नहीं सुनता कभी दुर्बल जनों का शांति प्रवचन, सिर झुकाता है उसे जो कर सके रिपु मान मर्दन। हृदय में हो प्रेम लेकिन शक्ति भी कर में प्रबल हो। हम चले थे विश्व भर को शांति का संदेश देने, किंतु जिसको बंधु समझा आ गया वो प्राण लेने। शक्ति की हमने उपेक्षा की, उसी का दंड पाया। बस बहुत हो चुकी अब शांति की चर्चा यहां पर, हो चुकी अति अहिंसा तत्व की अर्चा यहां पर। ये मधुर सिद्धांत रक्षा देश की पर कर न पाए। ऐतिहासिक सत्य है यह सत्य पहचानना है। केवल पूजा पाठ करने से काम नहीं चलेगा, उपासना की अपनी एक शक्ति होती है, लेकिन शक्ति की भी उपासना करना पड़ती है, यह बात ध्यान में रखिए। युवक नहीं वह जिसको अपने गौरव का अभिमान नहीं, देश धर्म पर मर मिटने का शेष रहा अरमान नहीं। पग पग पर ठोकर खाकर भी आता जिसे उफान नहीं, वह धरती का भार सा लता जिसे राष्ट्र अभिमान नहीं। तुमने अपने शस्त्र रख दिए, भूल तुम्हें रण गीत गया, हास रिदन में रास रंग में सारा जीवन बीत गया। समय संग तुम दौड़ न पाए, समय दौड़ में जीत गया, और गौरवमय इतिहास इसी से बनकर आज अतीत गया। तो आओ अब लो शपथ धरो हर जननी का, यह मान रहे प्राण रहे न रहे, किंतु सर्वत्र तुम्हें यह ध्यान रहे कि जिसकी रक्षा के हित अपने पूर्वज देते जान रहे। नील गगन में फहराती वह गैरिक ध्वजा महान रहे, नील गगन में फहराती वह गैरिक ध्वजा महान रहे।